Let us discuss now. Let us discuss with the solution part. Tell me, what is the answer of U? First, tell me what is the total cost of U? Total cost of 60,000. And what is per unit? 55. No. Ma'am, 480,000. हाँ. मैम टोटल कॉस्ट बोला ना आपने. हाँ जी टोटल कॉस्ट पूछा बच्चा मैंने. यस मैम 480,000. ओके कोई बात नहीं. 480 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ यू. और आपने उसका पर यूनिट निकाला होगा. कितना है पर यूनिट? 40. ओके. और आपने टारगेट रिटर्न्स कितने निकाले हैं पहले वो बताइए अमाउंट में. 1,80,000. वेरी गुड. यहाँ से ही दिख रहा है. देखो 18 lakhs का 10% मीन्स 1,80,000. सो 1,80,000 को आपने ऐड किया 480 में. तो आंसर कितना आया आपका? 6,60,000. ओके 6,60,000 डिवाइडेड बाई 12,000. तो आपका पर यूनिट ट्रांसफर प्राइस कितना है यू का? 55. यही 55 को आपने वी में लिखा होगा बिगनिंग में और मल्टीप्लाई किया होगा 12,000 के साथ. सिमिलरली आपने टोटल कॉस्ट निकाली होगी जैसे आपने यू की निकाली है और उसमें टारगेट रिटर्न्स ऐड किए होंगे 2,20,000. बराबर है टारगेट रिटर्न्स 2,20,000. बराबर है 2,64,000 आया मेरा. 2,64,000. अच्छा सॉरी 12% है. यस मैम 12% है. मैं 10 पकड़ रही थी सॉरी. 12 lakhs प्लस 10 lakhs टोटल एसेट्स हैं आपकी 22 lakhs. 22 lakhs का 12% is 2,24,000. करेक्ट. तो आपने ऐसे टोटल कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड किया 4,000. यस. तो आपका आंसर क्या आया? यस. ट्रांसफर प्राइस कितना आया? 14,64,000. ट्रांसफर प्राइस ऑफ वी 122. फिर से बोलो. 122. ओके वेरी गुड. 122 आएगा वी का. तो आपको W में लेके जाएंगे 122 को और मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मतलब 12,000 के साथ. यस. तो सिमिलरली आपने इसका W का भी आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया होगा. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ W? 18,84,000. उसको टारगेट प्रॉफिट के साथ ऐड किया होगा. टारगेट प्रॉफिट होगा आपका 15 lakhs प्लस 12 lakhs मतलब आपका 27 lakhs आपका आ रहा है टोटल एसेट्स. 27 lakhs का 16%. तो आपका टारगेट प्रॉफिट कितना है? 15. अयो मैंने 15 से कर दिया है. 4,55,000. नहीं बच्चा 16% है ना. यस मैम वो 15. नहीं 16 है. करेक्ट करो. 15 lakhs plus 12 lakhs मतलब 27 lakhs. 27 lakhs का 16% कितना आएगा? राजन आपने भी mistake कर दी. 4,32,000. Yes ma'am. 4,32,000 आपका target price है. Target returns है. अब उसको total cost में add करोगे तो कितना हो जाएगा? Yes, कितना हो जाएगा आपका टोटल ट्रांसफर प्राइस? मैम 23,16,000. ओके 23,16,000. ओके एंड उसको डिवाइड करोगे 12,000 से तो आंसर कितना हो जाएगा पर यूनिट में ट्रांसफर प्राइस का? यस हाउ मच इट विल बी? 193. ओके. तो नीचे आपको नोट कैसे लिखना है? नीचे आपको नोट लिखना पड़ेगा ना. नोट कैसे लिखोगे? द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट फ्रॉम यू टू वी
ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट, द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू वी इज रुपीज, टेल मी कितना आता ट्रांसफर प्राइस यू का? 55 रुपीज 55. एंड फ्रॉम वी टू डब्ल्यू कितना आता? 122. यस, सो आप लिखोगे कैसे? एंड फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज रुपीज 122. मैम 193. तो 122 किसने बताया? मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो तुम? 122 ये वी का है ना, ट्रांसफर प्राइस है. वी का चाहिए मुझे. देखो मैम 122 है. तो 193 किसका आया है? मैम वो W का लास्ट का जो है ना, W का नहीं, W का आंसर नहीं चाहिए मुझे. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्रॉम यू टू वी एंड फ्रॉम वी टू यू. फ्रॉम यू मतलब यू से कितना जा रहा है वी के पास, और वी का कितना जा रहा है डब्ल्यू के पास. तो आंसर्स मुझे यू और वी के चाहिए ना. तो आप कैसे लिखोगे? आई विल रिपीट द सेंटेंस अगेन. द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट फ्रॉम यू टू वी इज रुपीज 55 एंड फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज 122. समझ में आया? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Now let us quickly begin with another question. See, this is the question. Organic Foods Limited is producer of basmati rice. It has two intermediate divisions and one final division. टू इंटरमीडिएट डिविजन है और एक फाइनल है, मतलब टोटल तीन डिविजन है, फार्मिंग, क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग. पहले फार्मिंग करते हैं वो, फिर वो क्लीन करते हैं, मतलब बासमती राइस के जो बीज होते हैं उसको क्लीन करना होता है और फिर प्रोसेसिंग में डालना होता है. देयर कैपेसिटीज एंड अदर डिटेल्स आर गिवन बिलो. प्रोडक्शन दी हुई है 15,000 यूनिट्स. अब आप फार्मिंग करते हो, उसको क्लीन करते हो तो 12,000 यूनिट्स हो जाते हैं वो, और जब प्रोसेसिंग करते हैं तो 8,400 फाइनल प्रोडक्ट आपको हाथ में मिलते हैं. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, पावर कॉस्ट पर यूनिट, लेबलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये सब खर्चे दिए हुए हैं. उसके साथ साथ आपको एनुअल कॉस्ट भी दिया हुआ है. देखो लेबलिंग कॉस्ट है ना, फार्मिंग का नहीं है, क्लीनिंग का नहीं है, क्योंकि लेबलिंग थोड़ी करते हैं. लेबलिंग तो बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में होती है ना. लेबल मतलब आप बता रहे हो बासमती राइस, बासमती इज अ लेबल, ब्रांड का नाम उस पर लगाना, तो वो तो लास्ट प्रोसेसिंग के टाइम पे होगा ना. फार्मिंग और क्लीनिंग के टाइम पे थोड़ी आप लिखते हो उसके ऊपर बासमती. लेबलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, वो फार्मिंग में नहीं है, क्लीनिंग में भी नहीं है, प्रोसेसिंग में 1 पर यूनिट है. तो जिसमें नहीं है उसमें नहीं लिखेंगे, और जिसमें है उसमें लिखेंगे. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका? 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख. इन्वेस्टमेंट आपने दो तरीके की हुई है. अब इस सम में फर्क क्या है? मैं ये सम क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि इसमें जो टारगेटेड आरओआई है वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अलग है और करंट एसेट्स के ऊपर अलग है. फिक्स्ड एसेट्स का आरओआई है 10% फॉर फार्मिंग एंड करंट एसेट्स का है 8%. फॉर क्लीनिंग फिक्स्ड एसेट 12 और करंट एसेट 8. फॉर प्रोसेसिंग फिक्स्ड एसेट 10 एंड करंट एसेट 6. ये मैं करवाती हूँ आपको. शुरू करो, ऊपर से पहले लाइन्स ड्रॉ करो. कंपनी का नाम लिखो पहले. ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड. ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड. इज द स्क्रीन क्लियरली विजिबल? मैम आपका आवाज कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है बीच में. अच्छा सॉरी, वो नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा. देखो मैं बता रही हूँ आपको, मतलब ये क्वेश्चन मैंने रीड किया और लास्ट में उन्होंने पूछा है कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मिंग टू क्लीनिंग एंड फ्रॉम क्लीनिंग टू प्रोसेसिंग. तो आपको दो तीन प्रोसेस दिए हुए हैं, उनमें से आपको फार्मिंग टू क्लीनिंग में कितना ट्रांसफर प्राइस है और क्लीनिंग टू प्रोसेसिंग में कितना ट्रांसफर प्राइस है वो बताना है. इज इट नाउ क्लियर एवरीवन? यस मैम. या सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन. ऊपर से लिखो ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड, कंपनी का नाम. ठीक है,
उसके बाद लिखो नीचे स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस यस सो स्टार्ट विथ फार्मिंग क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग के लाइन्स ड्रॉ कीजिए फार्मिंग और क्लीनिंग प्रोसेसिंग में मुझे फिर से पार्टीशन चाहिए विथ अमाउंट कॉलम एंड सीपीयू कॉलम मतलब पर यूनिट कॉलम अमाउंट कॉलम एंड पर यूनिट कॉलम फॉर ईच ऑफ देम फॉर फार्मिंग फॉर क्लीनिंग एंड फॉर प्रोसेसिंग कम ऑन क्विकली वी हैव टू कंप्लीट दिस सम इन 20 मिनट्स एनी हाउ क्विकली Done with the lines? Yes, ma'am. So write down farming ke bracket mein 15,000 units. KG, sorry. Abhi ye sum ka, sum mein units ka form bataya hai. Raw material, apna basmati rice hai na, to rice ko KGs mein measure kiya jata hai. So KGs hum log likhenge units ke jagah pe. Likho farming ke bracket mein 15,000 KGs. क्लीनिंग के ब्रैकेट में 12,000 केजीज एंड प्रोसेसिंग के ब्रैकेट में 8,400 केजीज लिखा ऑलरेडी जो दिया हुआ है बस हम कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है प्रोडक्शन इन केजीज ऑलरेडी दिया हुआ है पहली पहली लाइन पे हो गया इतना सबका यस मैम ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट राइट डाउन पर यूनिट नहीं लिखना है आपको आपको लिखना है मटेरियल कॉस्ट सो इट इज 10 पर यूनिट तो पर यूनिट के कॉलम में लिखेंगे 10 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे कम ऑन क्विकली आंसर्स दो 15,000 यस 15,000 इनटू 10 तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 1,50,000 1,50,000 लेबर कॉस्ट नेक्स्ट नंबर 2 लेबर कॉस्ट 8 पर यूनिट दिया हुआ है 8 पर यूनिट दिया हुआ है सो 8 इंटू 15,000 1,20,000 पावर कॉस्ट राइट डाउन नेक्स्ट पावर कॉस्ट 4 पर यूनिट में 4 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 आई थिंक इट वुड बी 60 नेक्स्ट है आपका लेबलिंग कॉस्ट आप बोलोगे मैम लिखना ही क्यों है जब है ही नहीं फार्मिंग के लिए लेकिन पर्टिकुलर कॉलम तो हम एक ही बना रहे हैं ना तो जब आप प्रोसेसिंग के कॉलम में आओगे तब तो 1 पर यूनिट दिया हुआ है और फिर तो आपके पास स्पेस ही नहीं होगी लेबलिंग कॉस्ट लिखने की समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ yes, अभी नहीं करने का पर अब नहीं लिखोगे तो फिर स्पेस नहीं होगी ना आपके पास बाद में जब प्रोसेसिंग कॉस्ट पे आओगे तब आपके पास स्पेस नहीं होगी ना तो हेडिंग तो अभी लिखनी पड़ेगी ना आपको लिखो हेडिंग लिखो लेबलिंग कॉस्ट और फार्मिंग अभी हम कहाँ खड़े हैं फार्मिंग में खड़े हैं ना तो पर यूनिट और अमाउंट के कॉलम में नील कर दो क्योंकि नहीं है लेकिन जब आएगा कब आएगा प्रोसेसिंग के टाइम पे आएगा तो प्रोसेसिंग के टाइम पे आएगा तो हम अटक जाएंगे ना हमारे पास स्पेस नहीं होगी ना लिखने के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं यस या लेबलिंग कॉस्ट है आपका निल फार्मिंग में नहीं है कुछ भी नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख यस मैम लेक्चर का भी तो क्या 230 वाइंड अप करूंगी मैं ठीक है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है आपका अमाउंट में 2 लाख अमाउंट के कॉलम में 2 लाख तो आप पर यूनिट कैसे निकालोगे किसको किससे डिवाइड करना है 2 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 वेरी गुड 2 लाख डिवाइड बाय 15,000 यू केजीस सो आपका आंसर क्या हो जाएगा
13.33, correct? Now, tell me the total cost. Yes, ma'am. Yeah. Tell me the total cost, amount-wise. In terms of amount first. Five lakh thirty thousand divided by 15,000 kgs. So you will get per unit column. Simultaneously do it. 35.33. Has everybody got that? 35.33. Has everybody got that? Yes, ma'am. Yeah. Add all the figures of per unit column and check whether 35.33 is correct. Add all the figures of per unit column. Yes, ma'am. It is correct. It is correct? Okay. Now let us proceed with targeted returns. Likho. Add target returns. Add target returns. Now wait and watch first. How am I doing? See, look here. Working note number one. How you need to solve this? This is calculation of target returns. Okay. Now, what is the name of the first process? First department, farming, cleaning, processing. So first is farming. Now, the formula is, first we need to write down the formula. The formula is total investments multiplied by ROI. Total investment into ROI percent. Percentage. ROI percentage. But now in this case, in this question, the ROI on fixed assets and current assets is different from each other. Therefore, how we need to solve is, come to the farming and come to the next line. This is farming department. Okay. Let me highlight that with bold. Okay. And now, fixed assets into ROI plus current assets into ROI. This is how we need to write. Fixed assets into ROI percentage and put this term into bracket. Put this. Yes, guys, am I audible? Yes. Screen visible? Yes. Screen visible? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes. Again, that internet problem. Mameship? Yes, ma'am. Mobile ke hotspot se connect kiya. Let's see how far it goes. Dekho, ab formula hum kaise likh rahe hain? Fixed assets into ROI percentage plus another bracket. Current assets into ROI percentage and then bracket close. Did you understand the formula? Yes, ma'am. Yeah, the formula is same. Total investments into ROI. Ma'am? Hanji. Bolo. Bolo, bacha. अश्विनी कुछ बोल रहे थे बेटा यस मैम वही पूछना था वो इंटू सी हाँ बोलो यस मैम वही पूछे इंटू था क्या वो हाँ इंटू है ना ये इंटू की साइन है करंट एसेट्स इंटू आरओआई हाँ करंट एसेट्स इंटू आरओआई परसेंटेज ये इंटू की साइन है ठीक है ना बीच वाली अभी फॉर्मूला आपकी वही है टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू आरओआई लेकिन अभी टोटल इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट तो दोनों का आरओआई जब अलग अलग है तो हमको दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा अभी इसको सॉल्व करेंगे हम ठीक है ना मतलब ये फॉर्मूला मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ कहाँ पर ऊपर मतलब यहाँ पर अब आप एक एक का सॉल्व करोगे पहले फार्मिंग का सॉल्व करोगे अब जब फार्मिंग का आप मुझे बताइए फार्मिंग का फिक्स्ड एसेट्स कितना है कमोन जल्दी Yes, am I audible? 9 lakh. हाँ, 9 lakhs. और fixed assets का ROI कितना है?
फिक्स्ड एसेट्स का आरओआई कितना है? 10%. सो आपको कैसे लिखना है? हाँ, ब्रैकेट में 9 lakhs into 10% and bracket close. Again, plus bracket start. Current assets ka ROI, current assets ka investment kitna hai? Come on, jaldi answers do. Current assets ka investment kitna hai? 5 lakh. And current assets ka ROI kitna hai? 5 lakh. ROI. 8%. तो ब्रैकेट में आपको कैसे लिखना है? 5 lakhs into 8% so bracket close. Now दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. 9 lakhs का 10% कितना होता है? 90,000 होता है. प्लस अभी हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया. हाँ, ब्रैकेट ओपन. 5 lakhs का 8% कितना होता है? 5 8 40 होता है. सो ये 40,000 है क्या? चेक तो करो, राइट है कि रॉन्ग है. 40,000 राइट है ना? ठीक है. तो 9 lakh और 40,000 कितना होता है? मेरे ख्याल से 1 lakh 30 होते हैं. 1 lakh 30,000. तो ये रुपीस 1 lakh 30,000. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. अब जैसे आपने फार्मिंग का किया ना, वैसे आपको क्लीनिंग प्रोसेस का करना है. चलो पहले क्लीनिंग का निकाल देते हैं. अभी का अभी निकाल देते हैं क्लीनिंग का भी. ठीक है, मुझे बताओ क्लीनिंग का फिक्स्ड एसेट्स कितना? क्लीनिंग का फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 8 lakhs. और क्लीनिंग का फिक्स्ड एसेट का आरओआई कितना है? 12%. सो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 8 lakhs का 12%. आर यू गाइस गेटिंग इट? यस मैम. या अच्छा, अभी क्लीनिंग का करंट एसेट्स कितना है? 2 lakhs. एंड क्लीनिंग का करंट एसेट्स का आरओआई कितना है? 8%. सो दिस विल बी 2 lakhs एंड 8% इज सेम. 2 lakhs, 8%. इज दैट क्लियर? आर यू फॉलोइंग मी? यस मैम. यस मैम. सो व्हाट इज 8 लाख का 12%? 8 लाख 12%. Yes, come on. 16,000. Quickly, please. You need to be fast. 8 okay. lakh. Okay. 96,000. 8 lakh ka 12%. 96,000. Okay. Or 2 lakhs ka 8%. 2 lakhs ka 8%. 16,000. Okay. And what is 96 and 16,000? It is, I think, 1,08,000. Barabar hai kya? Is it 1,08,000? 1,12,000. 1,12,000. Is it now correct? Now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As you have done for cleaning, so you will do it for processing also. Do it for processing. Come on, quickly. Quickly. Do it for processing. What is fixed asset for processing? Fixed assets of processing is 5 lakhs. And what is ROI for fixed assets? 10%. So we will write it in the bracket. 5 lakhs into 10%. 5 lakhs into 10%. What is current asset? क्वेश्चन नहीं है मैम. हाँ देखो ना बच्चा, क्वेश्चन दिख रहा है? अभी क्वेश्चन दिख रहा है? टेल मी, क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम. बहुत धीरे धीरे रिप्लाई कर रही हूँ, फटाफट रिप्लाई करो. अच्छा, 5 lakhs का 10% हो गया आपका फिक्स्ड एसेट. करंट एसेट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3,20,000 का 6%. Very good. 3,20,000 का 6%. 3,20,000 into 6%. So tell me, first bracket. 5 lakh का 10%. 50,000. 50,000. Very good. 3,20,000 का 6%.
320,000 इनटू 6% कम ऑन गिव मी आंसर्स रिपीट अगेन 90,000 Yes, tell me your answer for 320,000 into 6%. So what is your answer? 19,200. Okay. So 50,000 plus 19,200. What is the final answer for processing? 69,200. Now, transfer target returns are calculated. Target returns are calculated. Now come to the statement. We were in the department of farming. We were in the department of farming and we were doing target returns. So what is target returns of farming? What is target returns for farming? 1,30,000. Come to the statement and write down 1,30,000 in the amount column of farming. Amount column of farming. So what is per unit? 1,30,000 will be divided with 15,000 kgs. So what is per unit of target returns? 8.67. Very good. 8.67. Now, after getting 8.67, we will add total cost in target returns. So what is your transfer price in the terms of amount? 6,60,000. How much? Sorry. 6,60,000. 6,60,000 divided by. Yes, 6,60,000 divided by 15,000 kgs. So what is your answer? 44 per unit. Very good. That 44 per unit will be taken to cleaning department. Write down 44 per unit. In cleaning department transfer price in the beginning, okay? So 44 will be multiplied with what? 12,000. So what is your answer? Give me quick answers. Come on, 12,000 into 44. 5,28,000. 5,28,000, very good. Now, come on. Material cost is 8 per unit. Material cost is 8 per unit. So, 8 into 12,000 is how much? Yes? 96,000. Very good. Labor cost. Labor cost is also same, 8 per unit. So, amount will also be same, 96,000. How did you get this 96? 8 into 12,000. 8 into 12,000. Very good. 12,000 is number of kgs. Okay. Power cost. Power cost of cleaning is 3 per unit. So 3 into 12,000 is how much? 36,000. Very good. 36,000 in the amount column. 36,000. Labeling cost is not there. So you will just put nil. Chota sa hyphen dal ke chhod sakte hum. Annual fixed cost kitni di hui hai? Annual fixed cost 2 lakh. 2 lakhs divided 2 by 12,000. 2 lakh. Yes, it will be divided with 12,000. 16.67. 16.67. And what is the total cost? Can anyone tell me? The total cost of cleaning process. Ma'am, 11,000. फिर से बोलो बेटा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. 11,45,000. Okay. 11,45,000. 11,45,000 divided by 12,000. 9,50,000. क्या बोल रहे हो दोनों साथ में बोल रहे हो ना तो नहीं समझ में आया. बोलो. Okay. Tell me what is per unit of total cost.
मैम टोटल कॉस्ट का मैं अमाउंट 9,56,000 है। टोटल कॉस्ट का अमाउंट 9,56,000। मैम मेरा अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है? कितना आ रहा है आप चेक करो ना, बाकी लोग भी बोलो कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है क्लीनिंग का? 9,56,000। हाँ राजन कितना आ रहा है? राजन 9,56,000। हाँ तो अभी यस मैम मेरा भी उतना ही है। यस मैम मेरा भी उतना ही है। ओके तो 9,56,000 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है 9,56,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 से तो पर यूनिट का कॉलम 79.67। वेरी गुड। अच्छा ये आपको मिल गई टोटल कॉस्ट। हमने टारगेट रिटर्न्स तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे थे क्लीनिंग डिपार्टमेंट के, कितना था टारगेट रिटर्न्स? 1,12,000। वेरी गुड। 1,12,000 को ऐड करोगे टोटल कॉस्ट में तो आपको ट्रांसफर प्राइस मिल जाएगा। बताओ ट्रांसफर प्राइस का अमाउंट कॉलम कितना आया? $10,68,000 को डिवाइड करो 12,000 से 89। वेरी गुड। अब 89 जो ट्रांसफर प्राइस है, जो ट्रांसफर प्राइस है क्लीनिंग का, उसको प्रोसेसिंग के ट्रांसफर प्राइस में लेकर जाओ बिगनिंग में 89। अब 89 को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 8,400। वेरी गुड। क्वांटिटी के साथ, किसकी क्वांटिटी? प्रोसेसिंग की क्वांटिटी। कितनी है प्रोसेसिंग की क्वांटिटी? 8,400। यस सो 8,400 इनटू 89 हाउ मच इज? 7,47,600। 7,47,600। वेरी गुड। चलो मटेरियल, मटेरियल का कॉस्ट कितना है पर यूनिट? 6। तो आप पर यूनिट में लिखोगे 6 इंटू 8,400 करो 8,400 केजीज के साथ 6 पर यूनिट को मल्टीप्लाई 50,400। 50,400 50,400। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट इज 5, सो 5 इंटू 8,400 42,000। वेरी गुड। ओके पावर कॉस्ट इज ऑल्सो रुपीज 5, सो 5 इंटू 8,400 अगेन आंसर सेम 42,000। नेक्स्ट लेबलिंग कॉस्ट इज ऑल्सो देयर नाउ, लेबलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज हाउ मच? 1। सो 1 इंटू 8,400 इज हाउ मच इन द अमाउंट कॉलम? 8,400। सेम 8,400। ओके व्हाट इज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट? 1,00,000। 1,00,000 in the amount column. So how much will be your per unit? 11.90. Okay. How did you find 11.90? 1,00,000 will be divided with 8,400. Is it now clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what will be your total cost? Can anybody tell me the total cost of processing department? Nine lakh ninety thousand four hundred will be divided with 8,400 kgs to get per unit column. So what is your per unit? 117.90. Very good. 117.90. Okay. So what is your targeted returns? We have already calculated. You just have to open the working note number 69,200. Very good. 69,200. Look at the screen. We have already calculated target returns. 69,200 will be for processing department.